बहन मायावती जी के बारे में, एक नेता हैं, सम्मानित हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग आदर करते हैं उनका, तेजस्वी जी बेहद ज़्यादा आदर करते हैं, दिल से करते हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम करिए, मन की बात मत करिए, काम की बात करिए। देखिए देश के अंदर में कौन नेता कहाँ है, किस रूप में है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, नेपथ्य से कहाँ है, फ्रंट लाइन पर कहाँ है, सब स्पष्ट हो चुका है देश भर में। हम लोग एक ही बात जानते हैं, दो धारा साफ साफ खींची हुई है, एक धारा है गोडसे की, एक धारा है सावरकर की, एक धारा है देश तोड़ने वाले की, एक धारा है संविधान बदलने वाले की। ये सभी धारा भारतीय जनता पार्टी की धारा है। 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़े बड़े पार्टी के नेता पहुंचेंगे, कई नेशनल पार्टी पहुंचने वाली है, लेकिन एक और नेशनल पार्टी है बीएसपी, बहन कुमारी मायावती की पार्टी, उनकी कोई अभी सूचना नहीं है कि वो लोग महागठबंधन में आएंगे या नहीं आएंगे। 2024 चुनाव से पहले बैठक में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या महागठबंधन में आने की संभावना उनकी है, कौन पहल करेगा, इसी पर बात करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं, बहन जी आएंगे आप लोगों के साथ 2024 से पहले मोदी जी को हराने के लिए? 23 तारीख की बैठक में कौन कौन दल आ रहे हैं, कौन कौन नेता आ रहे हैं, सब बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बता दी है। अब अलग से कोई सवाल हमें नहीं लगता कि बनता है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं बहन मायावती जी के बारे में, एक नेता हैं, सम्मानित हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग आदर करते हैं उनका, तेजस्वी जी बेहद ज़्यादा आदर करते हैं, दिल से करते हैं, पर इस गठबंधन के पार्ट होंगे कि नहीं हो तो निर्णय लेना है उन पार्टियों को, जो पार्टियां अभी तक इस गठबंधन की बैठक में आने की सहमति नहीं दी है या इस पर बात नहीं की है। हम लोग एक ही बात जानते हैं, दो धारा साफ साफ खींची हुई है, एक धारा है गोडसे की, एक धारा है सावरकर की, एक धारा है देश तोड़ने वाले की, एक धारा है संविधान बदलने वाले की। ये सभी धारा भारतीय जनता पार्टी की धारा है। आप लोगों का कौन सा? और हम लोग की धारा है देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होने से बचाओ, महंगाई से निजात दिलाओ, बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम करिए, मन की बात मत करिए, काम की बात करिए, संविधान की जो मूल आत्मा है उसका सम्मान करिए। हम लोग तो इस पक्ष के मानने वाले लोग हैं। सावरकर ने दो राष्ट्र की बात की थी, आप समझ लीजिए सावरकर कौन है। वीर थे, वीर सावरकर जैसा आदमी को माफी वीर लोग थे, ये लोग माफी वीर, वीर थे, माफी वीर थे। अच्छा, ये बताएं कि बहन जी के साथ संभावना है, आपको लग रहा है कि आएंगी, उम्मीद है? राजनीति में संभावनाओं को के दरवाजों को बंद नहीं की जाती, संभावनाएं सदैव खुली रहती है राजनीति के अंदर। अगर उनको छोड़कर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि नुकसान हो जाएगा, दलित वोट उत्तर प्रदेश में बिछड़ने की संभावना। सवाल मैंने साफ शब्दों में कहा कि लगातार तो बात हो, सब लोग जान ही रहे हैं, सब लोग समझ ही रहे हैं। देखिए देश के अंदर में कौन नेता कहाँ है, किस रूप में है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, नेपथ्य से कहाँ है, फ्रंट लाइन पर कहाँ है, सब स्पष्ट हो चुका है देश भर में, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लाख स्वांग रच लीजिए, लेकिन आप किसके लिए काम करते हैं ये सब कुछ सर्वविदित है। उनके काम को लेकर संदेह है कि किसके लिए? हमने कहा ना कि जो भी टीवी काम कर रहा है इस देश के अंदर में, बहन जी किसके? अरे बहन जी तो आदरणीय है, सम्मानित है, उनके बारे में कहाँ बोल रहा है, लेकिन टीवी क्या बोल रहा है, एंकर किसके लिए बोल रहा है, सब दिख जाता है ना। तो नेता और पार्टी कौन कहाँ खड़ा है तो उस सब पता चल जाता है। तो जो लोग महंगाई, बेरोजगारी और देश हित में है वो लकीर के इस पार है, और जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, संविधान बदलने की प्रयास कर रहे हैं, लाइन के दूसरी तरफ है। तो बहन कुमारी मायावती किधर हैं, अगर आना चाहेंगी तो इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और राजनीति में संभावनाओं का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। तो इनसे बात हुई है कि क्या बहन मायावती 2024 चुनाव से पहले आएंगी महागठबंधन में, तो इन्होंने कहा कि उनका आदर है, सम्मान है, आएंगी कि नहीं आएंगी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारे नेता भी उनका सम्मान करते हैं, तेजस्वी यादव और ज़्यादा सम्मान करते हैं। इनसे चर्चा हुई है, तमाम बातों पर आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं, चल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।